हेलो स्टूडेंट, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ के फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के 11th नंबर टॉपिक तक देखा था और वह हमारा टॉपिक था सर्किट डायग्राम। और इस वीडियो में हम लोग 12th नंबर टॉपिक देखेंगे और 12th नंबर टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जो है यह रिलेशन देता है किसी कंडक्टर में करंट जो फ्लो करता है, दैट मींस आई, उसका रिलेशन बताता है पोटेंशियल डिफरेंस में। जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके दोनों एंड पे लगाए गए हैं कंडक्टर के, उसके बीच में रिलेशन देता है। तो ओम्स लॉ जो है वह इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन बताता है ओम्स लॉ। तो बात आता है कि किस प्रकार का रिलेशन बताता है, कैसा रिलेशन बताता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट मूव कर रहा है वह करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो उस कंडक्टर में लगाया गया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब कि जो आई होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, जहां पर आई जो है वह कंडक्टर में जो करंट मूव कर रहा है वह करंट है आई, और भी जो है वह पोटेंशियल डिफरेंस है जो दिया गया है उसके इंड्स के बीच में। जैसे देखिए इस पिक्चर में, इस डायग्राम में यह बैटरी है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोगों ने पीछे के टॉपिक्स में पढ़े हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होता है, बेसिक सा कॉमन सा सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, वह बैटरी होता है। तो देखिए यह हमारा बैटरी है और यह सर्किट है वायर के थ्रू, और यह कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के थ्रू हम करंट को पास करा रहे हैं, और यह फिर आकर के निगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट हो गया है। यह पॉजिटिव टर्मिनल है या निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, और इसमें करंट मूव कर रहा है। जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाए करंट मूव करने लगा, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है, ओम्स लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने दिया वह पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब कि जो इसमें करंट मूव करेगा, जो अमाउंट करंट का, वह करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यही ओम्स लॉ कहता है। तो ओम्स लॉ को हम लोग डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे, देखिए हम लोग ओम्स लॉ को पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे हम ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ कहता है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करेंट फॉलोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बोथ एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ओम्स लॉ कहता है कि कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब कि एक समान टेम्परेचर हो, टेम्परेचर घट बढ़ नहीं रहा हो, 30 डिग्री अगर हो तो 30 ही डिग्री हो, 40 डिग्री हो तो 40 डिग्री पर ही, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में मूव कर रहा है वह उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो वर्ड है किसी किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उसे भी हम समझा देते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब, मान लीजिए हम लोग बोले कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ये प्रोपोर्शनल कहने का मतलब कि अगर ए के वैल्यू को बढ़ाया जाए
तो b का वैल्यू बढ़ जाएगा, अगर b के वैल्यू को बढ़ाया जाए तो a का वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब कि एक को बढ़ाने पर दूसरा बढ़ जाता है, इसको भी बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट मूव करेगा किसी कंडक्टर में वह उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया जाए तो करंट बढ़ जाएगा, और अगर करंट बढ़ गया इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। तो दोनों में यही रिलेशन ओम्स लॉ बताता है। अब हम लोग मान के चलते हैं कि इस कंडक्टर में आई अमाउंट का करंट मूव कर रहा है, करंट जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो मूव कर रहा है इसमें वह आई मूव कर रहा है, और ये बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वैल्यू वह भी है, भी मान के चलते हैं कि ये भी पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी है हमारा, और जो करंट मूव कर रहा है इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस सर्किट में इस कंडक्टर में वह हमारा आई है, आई अमाउंट का, आई मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक करंट इस कंडक्टर के थ्रू मूव कर रहा है। तो अब हम लोग इस करंट और इस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच ओम्स लॉ के अनुसार फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो यह फॉर्मूला होगा हमारा, वह आप लिख लीजिए डेफिनेशन, इसको इरेज करना पड़ेगा। देखिए ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट है सर्किट में, जो करंट फ्लो कर रहा है वह पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यही हम लोगों ने देखा डेफिनेशन के केस में। तो मान लिया कि करंट जो है इसके थ्रू वह आई मूव कर रहा है, आई मैग्नीट्यूड का करंट मूव कर रहा है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा वह भी है। तो ओम्स लॉ के अनुसार ओम्स लॉ कहता है कि जो ये आई होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भी के, ओम्स लॉ के डेफिनेशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। According to Ohm's law, यह I जो है करंट जो I मूव कर रहा है इस कंडक्टर में वह इस पोटेंशियल डिफरेंस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लिख सकते हैं इसे। अब यह V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का हम लोग प्रयोग करेंगे और इक्वल टू के फॉर्म में इसे लिखेंगे। तो भी इज इक्वल टू साइन ऑफ प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन, इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे और वह कांस्टेंट हमारा होगा आर, जो रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, आर का मतलब रेसिस्टेंस। तो यह कॉन्स्टेंट हम लोगों ने प्रयोग किया आर इंटू आई, ध्यान से देखिएगा, यह प्रोपोर्शनलिटी के साइन के साथ जुड़ा हुआ था भी और आई, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब इस साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं हम लोग इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखने के लिए, इस फॉर्म में लिखने के लिए, इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखने के लिए एक कांस्टेंट का हम लोग प्रयोग करेंगे और वह कांस्टेंट हमारा होगा आर, आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, इतना जान लीजिए कि यह एक कांस्टेंट है आर जिसे रेसिस्टेंस कहा जाता है और यह प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए यूज किया जाता है। तो यह हमारा हो गया V इज इक्वल टू आर इंटू आई। अब यहां से देखिए आप इसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, यह लिख सकते हैं यहां से V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, और यही हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। ओम्स लॉ का हम लोगों ने डिफिनेशन देखा कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ कहता है कि करंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो वो तो था डेफिनेशन, और यह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसका फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, जहां पर ये जो भी है, भी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस दैट मींस बैटरी जो हम लोगों ने अप्लाई किया था, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा भी, और यह आई जो हो जाएगा आपका आई, यह हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, और आर जो होगा हमारा इस फॉर्मूला में वह होगा रेसिस्टेंस होगा
आर जो होगा वह रेसिस्टेंस होगा हमारा और यह कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट कहलाता है आर। तो यही हुआ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा या फिगर के द्वारा समझने का कोशिश किए थे हम लोग, तो डेफिनेशन देखा हम लोगों ने और यह था डेरिवेशन ओम्स लॉ का। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और ओम्स लॉ जो है वह समाप्त हुआ आपका। अब क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला के बेसिस पे, यह फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रेसिस्टेंस निकालने का, तो यह आगे के टॉपिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसका डेरिवेशन भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहीं अगर आपसे ओम्स लॉ पूछा जाए तो कि स्टेट ओम्स लॉ या व्हाट इज ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ का डेफिनेशन दे दीजिएगा आप, उसके बाद यह दे दीजिएगा आप, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और जहां पर डेरिवेशन पूछे आपसे तो यह डेरिवेशन हुआ, छोटा सा दो स्टेप का डेरिवेशन है, यह डेरिवेशन हुआ आपका। ओम्स लॉ खत्म हुआ। अब हम लोग इस फॉर्मूला के मदद से कुछ ओम्स लॉ के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे, कुछ और देखेंगे पॉइंट्स इससे रिलेटेड। तो इतना का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद हम लोग उस फॉर्मूला के बेसिस पर कुछ और नॉलेज प्राप्त करेंगे। देखिए ओम्स लॉ जो है वह समाप्त हुआ और उससे रिलेटेड फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया और यह हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, जहां पर वी जो था पोटेंशियल डिफरेंस था, आई जो था वह करंट था और आर एक कांस्टेंट था जिसे हम लोगों ने रेसिस्टेंस नाम दिया था। अब इसी फॉर्मूला के आधार पर जो है कुछ पॉइंट्स कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे और पहला जो प्रॉपर्टी है उसे हम लोग अभी देखते हैं, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी को देखेंगे। देखिए यह तो मैथमेटिकल टर्म में लिखा हुआ है, फॉर्मूला के टर्म में लिखा हुआ है, इसे वर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इसको लिख सकते हैं, आई जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, और यह आर जो है यह है कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट है और इसे हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। यहां से एक प्रॉपर्टी समझ में आएगा, एक हम लोग पॉइंट्स देखेंगे और वह पॉइंट्स जो होगा हमारा कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट दोनों के रेशियो जो होंगे वह हमेशा कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होगा, बट्टा होगा, फ्रैक्शन होगा, वह हमेशा कांस्टेंट होगा और उसे हम लोग रेसिस्टेंस बोलेंगे, यह हम लोगों ने देखा। तो पहला पॉइंट हमारा होगा, नोट कीजिएगा इसे आप, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म कॉल्ड रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होगा, बट्टा फ्रैक्शन जो जो भी कह ले आप, वह हमेशा कांस्टेंट होगा और उस कांस्टेंट को हम लोग रेसिस्टेंस बोलेंगे और इसे आर से डिनोट करते हैं हम लोग, आर लिखे थे यहाँ पे, यही हम लोग लिखे हैं कि द रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज अ कांस्टेंट टर्म, हमेशा कांस्टेंट होगा और उस कांस्टेंट को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग यह लिख लीजिएगा, इस फॉर्मूला के आधार पर कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे डिराइव कर रहे हैं। सब लोग नहीं बताता है, बहुत सारे टीचर लोग, बहुत सारे बुक्स में भी नहीं दिया रहता है, लेकिन आपके सिलेबस में पढ़ना है इसलिए हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एक और पॉइंट देखेंगे इसी फॉर्मूला के आधार पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा पॉइंट इससे जो रिलेटेड निकालेंगे हम लोग, वह इस फॉर्मूला को थोड़ा उलट पुलट करके हम लोग डिराइव करेंगे। तो देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं,
वी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा आई इंटू आर। कोई दिक्कत? इसे हम लोग लिख सकते हैं फिर वी अपॉन आर, आर इधर से आ गया, इज इक्वल टू आई। इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। या सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया है लेकिन इसको थोड़ा उलट दिया गया है। तो देखिए आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यह जो है आई यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा है, वी पोटेंशियल डिफरेंस और आर कॉन्स्टेंट दैट मीन्स रेसिस्टेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ से एक रिलेशन आता है कि आई जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, आई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यह हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, यही तो ओम्स लॉ है। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और आई जो है यहाँ से एक और रिलेशन आ गया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, और यह जो है यह हो गया रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। इस फॉर्मूला को हम लोग मॉडिफाई किए, मॉडिफाई करने के बाद इसको आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर के फॉर्म में जब लाएं तो हमें रिलेशन प्राप्त हुआ कि आई जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है और यह हम लोग ऊपर भी देखे हैं, और आई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, रेसिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस को, जब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डबल करते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करते हैं, प्रोपोर्शनल का कहने का मतलब कि एक को बढ़ाने के पे दूसरा बढ़ेगा, और इन्वर्सली कहने का मतलब कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घट जाएगा, दूसरा को घटाएंगे तो यह बढ़ जाएगा। तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का फंडा है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस के केस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम लोग डबल करेंगे, जब डबल करेंगे, जब डबल करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को वी को, तो यह करंट जो है वह भी डबल हो जाएगा, करंट जो है वह भी डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होगा सर्किट में वह भी डबल हो जाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करेंगे तो जो करंट प्रोड्यूस होगा सर्किट में वह भी हाफ हो जाएगा। यह इस रिलेशन के बेस पे हम लोग लिख रहे हैं। और जब यह तो पोटेंशियल डिफरेंस और आई का हो गया रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, अब हम लोग देखते हैं रेसिस्टेंस और करंट का। तो जब हम लोग रेसिस्टेंस को दोगुना करेंगे, डबल करेंगे, जब आर को डबल करेंगे तो करंट हमारा हाफ हो जाएगा, और जब रेसिस्टेंस को हाफ करेंगे तब जो है हमारा करंट वह डबल हो जाएगा। ये सब माइंड में रखे रहिएगा, ये सब जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उस समय ये सब बहुत मदद करता है, ये सब रिलेशन। ओम्स लॉ तो हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ लिया, डेरिवेशन पढ़ लिया, ओम्स लॉ वहां पे खत्म हो गया, लेकिन ये दो पॉइंट्स जो हम लोगों ने नोट किया, पहला पॉइंट्स और ये दूसरा पॉइंट्स, यह दो पॉइंट्स आपको न्यूमेरिकल करने में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ही आसानी प्रदान करेगा आपको। तो यह दो पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए, इसे भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए 13 नंबर टॉपिक ग्राफ ऑफ वी एंड आई, जो हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा वी अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर, यह हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ की मदद से यह फॉर्मूला डिराइव किया। तो हम लोग यह देखेंगे ग्राफ ऑफ वी एंड आई। तो इलेक्ट्रिक करंट इधर है और इधर है भी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इधर देखिए करंट है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जब
पोटेंशियल डिफरेंस और आई के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यह ग्राफ ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन होगा इस प्रकार से। क्यों होता है स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन किसी भी दो क्वांटिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन तभी होता है जब वह दो क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में हो। दैट मीन्स ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी एंड भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इस रिलेशन में होने के कारण बस आई और वी का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यह स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों? क्योंकि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में है, एक को बढ़ाने पर दूसरा बढ़ता है और दूसरे को बढ़ाने पर यह पहला बढ़ता है। तो इसीलिए वी और आई का जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यह हमेशा स्ट्रेट लाइन शो करेगा। यही था ग्राफ ऑफ वी एंड आई। तो यह टॉपिक जो है ओम्स लॉ वह तो समाप्त हुआ, ग्राफ ऑफ वी एंड आई यह भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, वह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का यहीं तक हम लोग रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।